अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल स्क्वेयर आर्ट कंस्ट्रक्शंस। अच्छा व्यूअर्स, आज जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ मार्केट में, घर फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। घर जो है वो कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल नहीं है। पहले तो बात करेंगे घर की लोकेशन की। घर की जो लोकेशन है, भेजे टाउन फेस 7 रावलपिंडी में घर है ये फॉर सेल के लिए। ये आप देख सकते हैं कॉर्नर का प्लॉट है, जिस प्लॉट पर ये घर कंस्ट्रक्ट हुआ है। घर का देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ है। कॉर्नर का प्लॉट है और जो गेट की एक्सेस है वो 2 गेट अवेलेबल हैं इस घर में। ये आप देख सकते हैं जो उसका मेन गेट जो स्ट्रीट फेसिंग है, ये मेन गेट है, और जो कॉर्नर का गेट है इसका वो इसकी बैक पे है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे इसके एक ग्रीन एरिया अवेलेबल है जो काफ़ी खूबसूरत तरीके से मेंटेन हुआ है। और बिल्कुल जो है ये कॉर्नर का जो गेट है आपका, ये आप देख सकते हैं कॉर्नर का गेट। रूम की अगर बात करेंगे तो 5 बेड डबल यूनिट हाउस है ये। दोनों जो पोर्शन की जो एक्सेस है वो डिफरेंट है। लोकेशन की बात करेंगे, भेजेड ऑन फेस 7 में घर अवेलेबल है ये। लोकेशन घर की बहुत अच्छी है। घर की बिल्कुल बैक साइड पे मॉस्क अवेलेबल है और उसकी बैक साइड पे बिल्कुल जो फेस 7 की जो एंट्रेंस है ग्लोब चौक रबी सेंटर के बिल्कुल पास है घर है ये। मार्केट्स और मॉस्क पार्क की एक्सेस बहुत घर से ईजी एक्सेस है। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्ट्रीट ओवरव्यू, कारपोरेट स्ट्रीट्स हैं ये राइट से, ये लेफ्ट से, और इसकी बैक से बिल्कुल एक स्ट्रीट छोड़ के स्ट्रीट 17 में पार्क अवेलेबल है, फैमिली पार्क। इस मूव करेंगे फर्दर घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। ये आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन पे जो है बॉर्डर्स पे जो रॉक वॉल का यूज़ हुआ है, उसके अलावा जो है ग्राफी का यूज़ हुआ है। पार्किंग रैंप अवेलेबल है जिस पर टफ टाइल का यूज़ हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन एरिया काफ़ी खूबसूरत तरीके से मेंटेन्ड हुआ है। ये घर का सामने गेट है जिसको वुडन टेक्सचर में डिज़ाइन किया हुआ है, प्लस इसके जो पिलर्स हैं उस पर टाइल का यूज़ हुआ है खूबसूरत। फर्दर मूव करेंगे घर के अंदर, कॉर्नर के प्लॉट पे घर कंस्ट्रक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं इसका पोर्च, कार पोर्च पे टाइल का यूज़ हुआ है। बिल्कुल लेफ्ट साइड पर साइड गैलरी इसका, इधर वाटर टैंक एरिया है इसका, ये आप देख सकते हैं। फर्दर मूव करेंगे इसकी जो साइड गैलरी की तरफ, ये आप देख सकते हैं इसका लॉन्ड्री एरिया अवेलेबल है हीटिंग पर्पस के लिए। इसमें गैस इंस्टॉल्ड है, गीजर इंस्टॉल्ड है, ये भी लॉन्ड्री एरिया अवेलेबल है इसका। घर की जो बैक गैलरी है, इधर दूसरे गेट की एक्सेस अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं कॉर्नर का प्लॉट है जिस घर प्लॉट पर घर कंस्ट्रक्ट हुआ है। एक इसका एक्सेस मेन गेट है, दूसरा गेट है इसकी वो बैक साइड से है। आप अगर देखें तो यहाँ पर भी ईजिली जो पार्किंग की एक्सेस है वो अवेलेबल है, पार्किंग अवेलेबल है। इसकी बैक साइड पे भी काफ़ी वाइड जो है ये गैलरी अवेलेबल है बैक पे इसकी। फर्दर मूव करेंगे घर के अंदर मेन एंट्रेंस से। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अच्छा तो व्यूअर्स, मेन जो एंट्रेंस है घर की वो गेट से, यहाँ सामने से मेन एंट्रेंस है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड से इसके ड्राइंग रूम की एक्सेस है। पोर्च से ही मूव करेंगे हम मेन एंट्रेंस, मेन डोर से। आप देख सकते हैं सीलिंग पे इसकी वाइट लाइट का यूज किया हुआ है, हैंगिंग लैंप अवेलेबल है। एंटर होते साथ ही बिल्कुल राइट साइड पे से किचन अवेलेबल है। किचन पे आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर में टाइल का यूज हुआ है, प्लस कबर्ड्स अवेलेबल हैं। सीलिंग पे जो है बॉक्स साइड पे सीलिंग को डिजाइन किया हुआ है, वाइट लाइट का यूज किया हुआ है सीलिंग पे। बिल्कुल राइट साइड पे इसका वॉश बेसिन एरिया आ गया, प्लस ये आप देख सकते हैं इसमें जो वेंटिलेशन के लिए विंडो अवेलेबल है, प्लस इसमें सिक्योरिटी ग्रिल्स भी इंस्टॉल्ड है, एग्जॉस्ट भी अवेलेबल है। फर्दर मूव करेंगे बेडरूम की तरफ, एंटर होते साथ बिल्कुल राइट साइड पे इसका किचन अवेलेबल है, और सामने जो डोर है उसकी एक्सेस बिल्कुल इसके साइड गैलरी की तरफ से है। बिल्कुल सामने इसका टीवी लाउंज अवेलेबल है, टीवी लाउंज का आप देख सकते हैं सीलिंग खूबसूरत तरीके से सीलिंग को डिज़ाइन किया हुआ है। 2 फैंस की अवेलेबिलिटी है इसके टीवी लाउंज में। बिल्कुल राइट साइड पे सामने इसकी जो है मीडिया वॉल अवेलेबल है टीवी लाउंज की। ये आप देख सकते हैं
सिक्योरिटी कैमरा जो है, सिक्योरिटी सिस्टम वो घर में इंस्टॉल्ड है, कैमरा जो है अवेलेबल है, रनिंग में, वर्किंग में है। यहाँ आप देख सकते हैं बैक गैलरी, इसकी जो बैक विंडो है टीवी लॉन्च की, वेंटिलेशन पर्पज के लिए बहुत, ये आप देख सकते हैं जो बैक विंडो है उसकी जो, उसका जो व्यू है वो बैक स्ट्रीट से है, क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट है ये, आखिरी प्लॉट है। ग्रीन एरिया भी इसका बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन्ड हुआ हुआ है। आपको एक दफा प्रॉपर टीवी लॉन्च का साइज दिखा दो उसके। फर्दर मूव करेंगे बिल्कुल राइट साइड पे इसका जो है वो ड्राइंग रूम अवेलेबल है, ड्राइंग रूम की तरफ बीच में डोर अवेलेबल है। अब जो ऑप्शनल है, अगर आप इसको ओपन कर दें तो आपके जो ड्राइंग रूम है टीवी लॉन्च उसका जो सेटिंग एरिया उसकी स्पेस भर जाएगी। आप देख सकते हैं ओपन हो गया। इसकी भी सीलिंग बॉक्स स्टाइल में डिजाइन हुई है, सीलिंग इसकी वाइट लाइट का यूज हुआ है पूरी सीलिंग में, विंडो की अवेलेबिलिटी है वेंटिलेशन पर्पज के लिए। ये आप देख सकते हैं इसका जो एक्सेस है ड्राइंग रूम की वो पोर्स भी अवेलेबल है। फर्दर मूव करेंगे इसके बेडरूम्स की तरफ, टू बेडरूम्स अवेलेबल है इसके ग्राउंड फ्लोर पे, ये मीडिया वॉल के साथ ही राइट साइड पे फर्स्ट बेडरूम अवेलेबल है इसका। ये आप देख सकते हैं सॉलिड वुड का यूज हुआ है घर में, टाइल जो है वो एक ही यूज हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं बेडरूम इसका, वाइट लाइट का यूज हुआ है बेडरूम में, सीलिंग जो है वो इसकी बॉक्स स्टाइल में सीलिंग को डिजाइन किया हुआ है। फर्दर मूव करेंगे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन पर्पज के लिए विंडो अवेलेबल है, प्लस सिक्योरिटी ग्रिल्स भी इसमें इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं इसके साइड में छोटी सी लॉबी बनी हुई है जिसमें कबर्ड्स अवेलेबल है इसकी टिल रूफ टॉप तक। मूव करते हैं वॉशरूम की तरफ, ये वॉशरूम है जिसमें थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइल्स का यूज हुआ हुआ है, एक्सेसरीज जो है वो पोटा की यूज हुई हुई है। वेंटिलेशन पर्पज के लिए एग्जॉस्ट और विंडो दोनों की अवेलेबिलिटी है। मूव करते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, बिल्कुल सामने सेकंड बेडरूम अवेलेबल है, यहाँ से सामने मेन एंट्रेंस है, ये फर्स्ट बेडरूम है और ये बिल्कुल सामने सेकंड बेडरूम अवेलेबल है। इसमें भी विंडो की अवेलेबिलिटी है, ये मास्टर बेडरूम है इसका, ये आप देख सकते हैं वाइट लाइट इंस्टॉल्ड की हुई है इसमें, सिक्योरिटी ग्रिल्स अवेलेबल है विंडो के साथ, प्लस ये राइट साइड पे इसकी लॉबी अवेलेबल है जिसमें इसका कवर्ड और वॉशरूम की एक्सेस है। आप देख सकते हैं टेन रूफ टॉप तक कवर्ड अवेलेबल है इसकी, प्लस इसका वॉशरूम आ गया। वंस अगेन एक्सेसरी जो है वो घर में पोर्टा की यूज हुई हुई है। अच्छा तो व्यूअर्स, ये टोटल विजिट था इसके ग्राउंड फ्लोर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका ग्राउंड फ्लोर पसंद आया होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा मैं वो गाइड कर देता हूँ, वो सामने से इसकी मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस के साथ बिल्कुल लेफ्ट साइड का वो देख सकते हैं इसका किचन अवेलेबल है। थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड पर इसका ड्राइंग रूम की अवेलेबिलिटी है, ये ऑप्शनल है। अगर इसका आप डोर क्लोज कर दें तो ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च सेपरेट हो जाएगा। एक एक्सेस इसकी टीवी लॉन्च से है और दूसरी एक्सेस जो है वो ड्राइंग रूम की इसकी मेन पोर्ट से अवेलेबल है, जैसा कि मैंने उनको पहले गाइड किया मैंने आपको। फर्दर मूव करेंगे तो ये इसकी मीडिया वॉल है राइट साइड पे, ये टोटल एरिया है सारा इसके टीवी लॉन्च का। बिल्कुल टू बेडरूम्स की अवेलेबिलिटी है इसके ग्राउंड फ्लोर पे, एक बेडरूम इसका ये है और सेकंड बेडरूम इसका ये है, और किचन बिल्कुल एंटर होते साथ ही राइट साइड पे है। फर्दर मूव करेंगे हम आगे फॉरवर्ड, ये इसमें एरिया अवेलेबल है जो इसकी बैक लॉबी है जिसके इसके फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस है। मैं आपको ऊपर गाइड कर देता हूँ, अगर आप इस डोर को क्लोज कर देंगे तो इसका फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसकी बैक गैलरी है, इस लॉबी में देख सकते हैं स्टेयर्स नीचे स्टोरेज पर्पस के लिए कबर्ड्स अवेलेबल हैं।
ये इसकी बैक बैक जो है डोर की एक्सेस है, बैक गेट की जो कॉर्नर का गेट है इसका, क्योंकि कॉर्नर के प्लॉट पे घर कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर मूव करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, इस डोर को हम क्लोज कर देते हैं ताकि इसका ग्राउंड फ्लोर फुली सेपरेट हो जाए। फर्दर मूव करते हैं अब इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, थ्री बेड्स की अवेलेबिलिटी है इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और जो रूफ टॉप का रास्ता जा रहा है वो बिल्कुल इसका यहीं से जा रहा है। ये आप देख सकते हैं विंडो में सिक्योरिटी ग्रिल्स अवेलेबल है, उस घर में सिक्योरिटी कैमराज भी अवेलेबल है। एंटर होते साथ ही बिल्कुल सामने टीवी लाउंज की अवेलेबिलिटी है, आप देख सकते हैं इसके टीवी लाउंज की सीलिंग, टू फैंस की अवेलेबिलिटी है, प्लस राइट साइड पे विंडो अवेलेबल है। यहाँ व्यू देख सकते हैं बाहर से, सामने मीडिया वॉल अवेलेबल है इसकी, थ्री बेडरूम्स की अवेलेबिलिटी है इसके फर्स्ट फ्लोर पे, प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है ये। सामने फर्स्ट बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम है, ये इसकी मेन एंट्रेंस है बैक साइड से, और बिल्कुल एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे फर्स्ट बेडरूम है। मूव करते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, सीलिंग जो है आप देख सकते हैं फर्दर मूव करते हैं इसके वॉशरूम की तरफ, ये कबर्ड एरिया आ गया इसकी, टिल रूफ टॉप तक अवेलेबल है कबर्ड। इसका वॉशरूम खूबसूरत टाइप का यूज हुआ होगा वॉशरूम में, फर्दर मूव करते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ, ये सेकेंड बेडरूम है सेम एज ग्राउंड फ्लोर, अच्छा इसकी जो साइड गैलरी है वो फर्स्ट फ्लोर में भी अवेलेबल है, 2 फुट की गैलरी अवेलेबल है इसके साइड्स पे वेंटिलेशन पर्पस के लिए। इसकी जो एक्सेस है वो इसके मेन टेरेस से होगी, राइट साइड पे इसकी कवर्ड एरिया अवेलेबल है। फर्दर मूव करेंगे वॉशरूम की तरफ, इसका वॉशरूम है, फर्दर मूव करते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, जिसका टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज इसका सेम है ग्राउंड फ्लोर। एक दफा आपको टोटल एरिया दिखा देता हूँ टीवी लाउंज का, ये टोटल एरिया है, वहां से इसकी एंट्रेंस है, एंटर होते साथ ही बिल्कुल लेफ्ट साइड पे फर्स्ट बेडरूम अवेलेबल है, मीडिया वॉल के साथ दूसरा बेडरूम अवेलेबल है, और जो इसका किचन है वो सेम है ग्राउंड फ्लोर से किचन अवेलेबल है, और ये एक्स्ट्रा कबर्ड अवेलेबल है स्टोरेज पर्पज के लिए किचन के साथ। ये किचन है इसका, वुडन टेक्सचर में टाइल का यूज हुआ है, प्लस इसका वॉश बेसिन एरिया आ गया, वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो एग्जॉस्ट दोनों की अवेलेबिलिटी है। फिर मूव करेंगे इसे थर्ड बेडरूम की तरफ, जिसका मास्टर बेडरूम है, इसका थर्ड बेडरूम है जो आपका ग्राउंड फ्लोर पे, इसको ड्राइंग रूम की जो एक्सेस है वो उसका फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम अवेलेबल है। बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे इसका आप देख सकते हैं छोटी सी लॉबी अवेलेबल है, जिसमें इसकी कबर्ड्स की अवेलेबिलिटी है, और राइट साइड पे इसका वॉशरूम है, मूव करेंगे इसे टेरेस की तरफ, ये टेरेस है इसका, ये आप देख सकते हैं इसका
जो साइड गैलरी है इसकी, गीज़र की अवेलेबिलिटी है इसके, ये इसका लॉन्ड्री एरिया आ गया, हीटिंग पर्पज़ के लिए गीज़र इंस्टॉल्ड है घर में, दो गीज़र हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक ग्राउंड फ्लोर पे। अब मूव करेंगे इसके रूफ टॉप की तरफ। घर की जो लोकेशन है बेली टाउन फेज 7 रावलपिंडी, लोकेशन जो है बहुत अच्छी है, बैक साइड में मस्जिद है, एक स्ट्रीट रोड के फैमिली पार्क अवेलेबल है और जो कमर्शियल की एक्सेस है वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब मूव करेंगे इसके फर्दर रूफ टॉप की तरफ। यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, ये सेकेंड बेडरूम है, वो सामने थर्ड बेडरूम है, वो एक्स्ट्रा कबर्ड अवेलेबल है और इसके बिल्कुल साथ से किचन है। टोटल जो टीवी लाउंज है इसका फर्स्ट फ्लोर का टोटल टीवी लाउंज ही है। फर्दर मूव करेंगे रूफ टॉप की तरफ। ये आप देख सकते हैं घर की बैक साइड पे, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉस्क अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं जो मॉस्क है, फातिमा मस्जिद, फातिमा तो ज़ारा मस्जिद है ये इसकी, बिल्कुल बैक साइड पे जो फेस 7 की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है। प्लस इसका स्टोर अवेलेबल है, 7 क्वार्टर प्लस स्टोर की अवेलेबिलिटी है इसके रूफ टॉप पे। एक स्ट्रीट छोड़ के आप देख सकते हैं इस जो वाटर टैंकी है इसकी बड़ी, उसके नीचे जो है वो पार्क अवेलेबल है, एक स्ट्रीट छोड़ के पार्क की अवेलेबिलिटी है। हाइट लोकेशन पे घर है, जिसमें आप देख सकते हैं बैक पे हाइट है इसके, वो सामने सारा एरिया जो है वो गार्डन सिटी है बहरिया का, Zone 1 Zone 2 इसके वाटर टैंक एरिया आ गया। फर्दर मूव करते हैं घर की जो प्राइस है, डिमांड है उसकी तरफ। इस घर की जो आस्किंग प्राइस है वो है 3,80,00,000 रुपये इसकी डिमांड है। इस प्राइस में नेगोशिएशन हो जाएगी, 3,80,00,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है। 10 मरले का कॉर्नर के प्लॉट पे घर कंस्ट्रक्ट हुआ है, 5 बेडरूम्स की अवेलेबिलिटी है, डबल यूनिट हाउस है ये। और जो गेट्स हैं वो एक मेन गेट है और एक बैक पे इसकी कॉर्नर का गेट है, दो गेट्स की एक्सेस है, सेपरेट पोर्शंस हैं, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर दोनों सेपरेट है, एक्सेस जो है दोनों पोर्शंस की। 3,80,00,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है। अगर आप विलिंग है घर को विजिट करने में तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप एनी टाइम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है बेली टाउन फेज 7 में, फेज 8 में, 1-6 में, DHA 1 में, DHA 2 में, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की भी है, आप उसकी सेल करना चाहते हैं या आप उसकी असेसमेंट जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू करंट ट्रेंडिंग मार्केट, तो आप हमें तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ घर पसंद आया होगा आपको। आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।